वो साफ कर दें, जो पैनलिस्ट है उनके लिए भी बहुत जरूरी है। चलिए आपको जल्दी से हम जानकारी दे रहे हैं ग्राफिक्स के जरिए अभी क्या हालात है। देखिए एक तरफ आप INDIA को देख रहे हैं, दूसरी तरफ आप देख रहे हैं भारतीय जनता पार्टी को। 242 पर इस वक्त भारतीय जनता पार्टी चल रही है। कांग्रेस के आंकड़े 95 है। अभी जो आधिकारिक आंकड़े हमारे पास सामने आए वो हमने आपके सामने रखे और आगे की तस्वीर भी जरा साफ कर दें। ग्राफिक्स के जरिए ये जानकारी हम आपके सामने रख रहे हैं। अभी जो आधिकारिक आंकड़े हैं तो अभी थोड़ा दूर है बीजेपी, लेकिन NDA अगर देखें तो यहां सरकार बनती दिख रही है पूरी तरह से। 95 पर कांग्रेस चल रही है, ये अभी ताजा तस्वीर है। इस पर कुलशेष जी आप अपनी बात पूरी करें। ये संसद के अंदर आ गए। पुष्पेंद्र जी एक मिनट आपको रोक रहा इसलिए हूं क्योंकि ये संसद के अंदर आ गए सलोनी, और 242 सीटें अभी बताई जा रही हैं। और इस बीच एक और बड़ी खबर ये है कि एक सीट जयपुर की भारतीय जनता पार्टी को जीत मिल गई है, वहां घोषित हो गया है। वहां पर जो मार्जिन रहा है 33,000 का रहा, यानी सूरत और जयपुर ये दो सीट अभी है जो भारतीय जनता पार्टी जीती हुई है। और एक बार मैं आपको बता रहा हूँ जी, प्लीज बोलिए। जिसमें महा रिकॉर्ड बनाने की बात आ रही है, 9 लाख से आगे चल रहे हैं वहां के प्रत्याशी इंदौर। तो अभी शायद आपके स्टूडियो में बैठे बैठे ही 10-15 मिनट में इंदौर की भी जीत आ जाएगी। मैं बार बार यही बात कह रही हूँ, 350 जाएंगे। और बात जब हम यूपी की बात करते हैं, यूपी में अखिलेश जी ने जादू जरूर किया लेकिन कांग्रेस ने कोई जादू नहीं किया, क्योंकि कांग्रेस का अभी भी नहीं पता कि रायबरेली और स्मृति वही रटी रटाई। और अब मैं आपको जरा पंजाब कह रही हूँ, बोलिए आप अपनी बात पूरी। जी ने जादू किया, बिल्कुल सही बात है, इस बात से बिल्कुल नकारना ही नहीं चाहिए इस बात को। लेकिन राहुल गांधी का जादू कितना रायबरेली में चलेगा और अमेठी में चलेगा? और अब मैं आपको पंजाब बता रहा हूँ, पंजाब कांग्रेस है ही नहीं, बिल्ली खंबे नोच रही है। अभी 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 2 घंटे बाद मैं कह रहा हूँ कौन खिसियाना है कौन नहीं सब पता लग जाएगा। अभी फाइनल नंबर जाने दीजिए आप। पंजाब कांग्रेस 7 पे है, आम आदमी पार्टी 3 से, श्रोमणि अकाली दल 1, प्रकाश सिंह बादल, स्वर्गीय प्रकाश सिंह बादल के बाद सुखबीर बादल हैज नॉट बीन एबल टू हैंडल द पार्टी। और ये क्लियर है पुष्पेन जी, ढिंडसा साहब जब अकाली दल को छोड़ के गए उस समय भी स्वर्गीय प्रकाश सिंह बादल जी थोड़े बैक पे चले गए थे, लेकिन उस समय मुझे एक सीनियर अकाली दल नेता ने कहा कि अकाली दल एक जत्था था, वो एक इतना डेमोक्रेटिक पार्टी था, वो सुखबीर बादल के आने के बाद सिर्फ बादल्स और मजीठियाज की पार्टी बन गई, इसलिए जितने भी बड़े लीडर्स थे पंथिक वो सारे अकाली दल से चदर गए। और इसलिए दिख रहा है कि कांग्रेस 7 पे है पंजाब में, आम आदमी पार्टी 3 पे है, श्रोमणि अकाली दल 1 पे, इंडिपेंडेंट 2 जीते हैं सर, अकाली दल जो 2 सीट नहीं जीत पा रहा पंजाब में। वहां से अमरिंदर को लिया पार्टी के, हाँ सर, और एक और बड़े नेता थे उनके बेटे को लिया, हाँ, जो कांग्रेस के बड़े कद्दावर नेता थे, स्पीकर भी थे, वो काम नहीं हुआ ना, नहीं चला, उसका कोई असर नहीं पड़ा ना, तो आपने अपना कैडर तो मजबूत किया नहीं। और जो अकाली दल की सिचुएशन है कि प्रकाश सिंह के बाद तो फिर अकाली दल दूसरा हो गया ना, और अकाली आपको याद है बीच में वो जो सिमरन थी वो छोड़ के चली गई थी, सरकार से अलग हो गई थी। और ये लाइव विजुअल्स आ रहे हैं, आप देखिए लाइव विजुअल्स आ रहे हैं, जगत प्रकाश नड्डा घर के बाहर के, अनामिका सलोनी, मृदुल सारे हमारे साथ स्टूडियो में, अनामिका मृदुल ओवर टू यू। और इस समय ये लाइव विजुअल्स आप देख रहे हैं, ये आ रहे हैं, ये लाइव विजुअल्स हैं। और पूरा पैनल हमारे साथ है, रत्नाकर त्रिपाठी हैं, अजय कुमार जी हैं, अजय वर्मा जी हैं, लारी जी सामने देखिए कहां टीवी बहुत लगे हैं, यहां पे पुष्पेन जी हैं, प्रीति जी हैं, और हमारे तीन को एंकर्स, प्लीज बिगिन। बिल्कुल, बड़ी बात तो ये है कि एक के बाद एक ये जो डांस की तस्वीर आ रही है, अब ये किस तरह की जीत है ये बेहतर जानते होंगे। लेकिन अजय जी बड़ा कमेंट करना चाह रहे हैं, तस्वीर देखिए जरा, नाच रहे हैं लोग जेपी नड्डा के घर के बाहर। लेकिन मृदुल ये तस्वीर आज कांग्रेस दफ्तर के बाहर भी हो सकती थी, ऐसी कोई तस्वीर सामने आई नहीं है कांग्रेस दफ्तर के बाहर। अभी चेक करके बता रहे हैं, चाहता हूं इंतजार कर रहे हैं। देखिए ये नाच इनका, भारत के संविधान के अनुसार हर आदमी को स्वतंत्रता है, ये हम पहले दिन से कह रहे आ रहे हैं, लेकिन 2014 के बाद फ्रीडम ऑफ स्पीच ही छीनी जा रही थी, कैसे खाना है, कैसे पहनना है, कैसे रहना है। अब बीजेपी आंख करने के मूड में नहीं, जो राइट विंगिंग एनालिस्ट भी थे उनको भी चेक। अब देखिए अभी तक अगर आज रत्नाकर त्रिपाठी का देखो, मैं कह रहा था ना अंडर करंट नहीं मान रहे थे, ये है वो अंडर करंट, सरकार कांग्रेस को नहीं मिला है लेकिन बीजेपी को रिड्यूस कर दिया है, तो वो कह रहे दिस इज व्हाट द अंडर करंट इज, SP को मिले हमको मिले हमको इससे चिंता नहीं है, लेकिन अंडर करंट था। अब ये सब जो कह रहे हैं फ्रीडम ऑफ स्पीच, ये XYZ कि आपने अजीत पवार को भी ले आए, आपने अशोक चव्हाण को भी दे दिया, कल तक जिसको कह रहे थे गलत था एक रात पहले वो सब आ गए, वो जो वॉशिंग मशीन वाला टॉप लोडिंग है कि सेंटर लोडिंग है पता नहीं चल रहा है, अब तो हर डिबेट फ्रंट लोडिंग टॉप लोडिंग, तो आपको अब वो सब बोलेंगे 10 बार। अब वो अगर एक डिबेट में एक बार बोलते तो अब 10 बार बोलेंगे, देखो ये है, देखो ये है, देखो ये है, तो बीजेपी ऑल्सो हैज टू इंट्रोस्पेक्ट।